चलिए, तो आज की क्लासेस के अंदर हम देखेंगे फॉर्म्स के अंदर हमें आगे के और क्या क्या फील्ड किस तरीके से बनाने हैं। इससे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने आपको फॉर्म के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट कैसे लिखना है, राइट, वो बताया था, चेकबॉक्स कैसे यूज करना है और रेडियो बटन कैसे यूज करना था। आज हम सीखेंगे सबमिट बटन का किस तरीके से यूज करना है। लाइक आपने फॉर्म तो बना दिया, फॉर्म बनाने के बाद आपको एक सबमिट बटन भी बनाना होता है जस्ट लाइक दिस, ताकि जो बंदा फॉर्म फिलअप करेगा सबमिट करने के बाद वो डाटा आगे प्रोसीड हो जाए, उसके लिए हमें सबमिट बनाना पड़ता है। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने फॉर्म में एक एक्शन लगा दिया है, एक्शन पेज PHP, ये तो खैर आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लेबल आपको फॉर्म यहाँ पे देना है, फर्स्ट नेम, ये तो हमने जैसे एक नॉर्मल लेबलिंग के लिए दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए। और उसके बाद उसका टाइप टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा जो कि नाम आ जाएगा जिसमें आप लिखोगे, फिर आपका लेबल आ जाएगा जिसमें हमने लास्ट नेम लिखा है, और बंदा जो लास्ट नेम लिखेगा उसके लिए हमने यह लेबल लगा लिया है। यानी कि ये जो हमारा लेबल है ये किसके लिए होता है, वहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई देगा। इनपुट का मतलब होता है कि फॉर्म के अंदर वेबसाइट पर जब यूज़र लिखता है उसको बोलते हैं इनपुट। जस्ट लाइक ये जो आपका है, ये जो बॉक्स बना है इसको क्या बोलोगे, इनपुट बोलोगे, और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, लेबल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने इस तरीके से लगाया है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पर इनपुट टाइप एक सबमिट बटन बनाया है, ठीक है। इनपुट टाइप क्या करना है, सबमिट बटन लेना है, और फिर वैल्यू में भी आपको सबमिट देना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से सबमिट वाला सेक्शन है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, एक्शन जो रखना है ये आपको PHP रखना है, बिकॉज जो हम उसको लिंक कराते हैं, हालांकि और भी कई तरीके होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है, PHP के थ्रू भी होता है, तो अभी हमने यहाँ पे PHP के थ्रू किया हुआ बेसिकली। तो इसलिए आपने फॉर्म में पहले ही स्टाइलिंग कर दी है, एक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, ये हमने डाल दिया। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट एक्चुअली रियल में कैसा आ रहा है, लेट्स सी। तो ये हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर इस कंटेंट को डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म स्टार्ट हुआ है और ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसके अंदर हमारे दो लेबल है, एक फर्स्ट नेम है और दूसरा लेबल जो है वो लास्ट नेम। उसके अंदर हमने इनपुट टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है जिससे कि यूज़र वहाँ पे टेक्स्ट लिख सके, और उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे इनपुट टाइप में एक सबमिट बटन बनाया हुआ है, ओके। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, सबमिट बटन डॉट HTML, और अब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी नेम लिखेंगे वो आप नेम लिख सकते हैं, राइट, एंड देन सबमिट करेंगे डाटा वो सबमिट होगा। हालांकि अभी क्या हुआ, वो डाटा कहीं गया नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी हमें इसको जो है SQL के थ्रू या हमें डाटा मैनेजमेंट के थ्रू इसको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेब डेवलपिंग में आ जाएगा, वो आगे सीखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम लेके लास्ट नेम लेके जो भी आपका फॉर्म प्रॉपर बनाना है लास्ट में आप सबमिट बटन बना सकते हो। देखा जाए तो हमने बेसिकली सबमिट बटन के लिए किया क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये लेबलिंग यूज़ करना है, यानी ये इनपुट यूज़ करना है। ये हालांकि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पेज को लिंक कराना होता है, समझ रहे हैं। ये अगर आप अभी नहीं भी लगाएंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो जनरेट हो, यानी कि सबमिट जो बटन है वो हमारा अभी आ जाएगा। लेट्स सी, F5 करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। हाँ, अभी बस क्लिक तो हो जाएगा लेकिन सबमिट होकर डाटा भी कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज हमने कहीं लिंक ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो फिर कोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं कि इसका जो डाटा है, यानी फर्स्ट नेम का जो डाटा है वो इस सर्वर पर चला जाए, इस सर्वर पर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो वो अलग कोडिंग के थ्रू होता है। फिलहाल अभी आपने सबमिट बटन कैसे बनाना है उसके लिए सिंपल हमने क्या किया है, ये इनपुट टाइप वाला जो सेक्शन है ये यूज़ किया होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप एक सबमिट बटन बना सकते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, हमारे फॉर्म में ही एक रीसेट का भी होता है, मान लीजिए फॉर्म गलत हो गया हमें रीसेट करना है, तो रीसेट में भी हमारा सेम रहेगा, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू की जगह पे ना रीसेट कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी कैसे, देखिए मैं यहाँ पे सेम क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ और ठीक उसके नीचे हमने पेस्ट कर दिया। अब नीचे करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ उसके नीचे आएगा, वो उसके साथ में आएगा, बिकॉज हमने बी टैग यूज़ नहीं किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो टाइप है इसको हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी सेम रीसेट, और सेव कर लीजिए इसको, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे ये रीसेट का बटन आ गया, ठीक है। जो आप लिखेंगे अपने हिसाब से आ रहा है, आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अभी तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, बाई डिफॉल्ट ना नेम आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो वो आप यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में ऑलरेडी हमने क्या दे रखा है, जोन दे रखा है। तो अगर वैल्यू में आप यहाँ हटा दोगे ना, कंट्रोल एस कर दो, तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पहले से कई बार ऐसा होता ना, फॉर्म के अंदर पहले से लिखा होता लाइट कलर का, ताकि यूज़र को पता लग सके कि यहाँ लिखना क्या है, ठीक है। तो बहुत सी फॉर्म्स में होता है और मैक्सिमम में नहीं भी होता है, तो जहाँ आपको दिखाना है कि बॉक्स के अंदर पहले से टेक्स्ट आए तो वहाँ पे क्या करना है, वैल्यू के अंदर आपको लिख देना, अदरवाइज ये वैल्यू आप हटाई दीजिए, इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इससे ये होगा कि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम जो भी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विराज गुप्ता, ठीक है, सबमिट करेंगे डाटा, फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा जब हमने लिंक किया होगा,
और रीसेट कर देंगे तो डाटा यहाँ से क्लीन हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म में आप सबमिट एंड रीसेट का बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा फॉर्म्स के और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट है, लेबल है, सेलेक्ट है। तो जैसे अभी हमने इनपुट सीख लिया, लेबल सीख लिया, अब हम नेक्स्ट सीखते हैं सेलेक्ट का और टैक्स एरिया कैसे यूज़ करना है। बटन्स का हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो सेलेक्ट में क्या रहेगा, सेलेक्ट का मतलब होता है कि लाइक हम कह सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हम बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू खुल जाता है, उसमें से फिर आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ये हमारे पास एक ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या चूजर का, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, तो जो आपने लेना चाहेंगे वो क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, डाटा आगे प्रोसेस, ठीक है। तो ये किस तरीके से बना हुआ है देखिए, समझते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सेलेक्ट फील्ड वाला, तो ये हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से हमारा एक्चुअली फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर हमने हेडिंग लिख दी सिंपल द सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है, आप कुछ भी अपने हिसाब से। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना दिया है। अब हमने क्या किया है, फॉर्म में एक्शन, हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये आप तब डालेंगे जब हमें लिंक करना हो, मीन्स कि उसका जो डाटा है वो कहाँ जाना चाहिए। अभी इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डाटा है वो एक्शन पेज डॉट पीएचपी में जाएगा, अगर ये पेज बना होगा तो वहाँ स्टोर हो जाएगा, अभी फिलहाल ये पेज बना ही नहीं है, पेज स्टोर होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ये आप हटा दीजिए, एंड देन यहाँ पे लेबल फोर में आ गया हमारा, यानी कंटेंट, हमने क्या लिख दिया कार, ऊपर हेडिंग क्या आ जाएगी चूज अ कार, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आएगा चूज अ कार। उसके बाद फिर हमने एक आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कार, ठीक है, नेम उसका कार्स रहेगा। उसके बाद उसके अंदर हमने ऑप्शन दे दिया, अभी आईडी कार क्या है देखिए, इसको सेव करते हैं एक बार, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट एलिमेंट डॉट एचटीएमएल एंड देन सेव। तो ये आ गया आपका, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चूज़र कार आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर ये लिखे आए हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे क्या है वोल्वो है, सैब है, फ्लैट है, ओडी है, इस तरीके से आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिखाना है वो आपको इस तरीके से, पहले एक आईडी डिफाइन करना होगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम कार की लिस्ट बना रहे हैं कार कर, हम डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट बना रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, हम सिटी नेम की लिस्ट बना रहे हैं सिटी नेम दे देंगे, ठीक है। जिस भी चीज़ का आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं उसका आपको नेम देना है, नेम इसलिए देना ज़रूरी होता है कल को जब डेवलपर इसको लिंक करेगा इसका डाटा कहाँ जाना चाहिए, तो वो आईडी से डिफाइन करता है कि इस आईडी का डाटा जो है वो यहाँ स्टोर हो जाए, ठीक है, इसलिए आपने देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर कितने आपको ऑप्शन देना है, उसके लिए मेन हमने क्या किया है, ऑप्शन वैल्यू यूज़ किया है, ठीक है। जितने भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने हैं तो ऑप्शन वैल्यू लिखना है, ठीक है, एंड देन इक्वल्स टू कि जो भी आपको कार का नाम लिखना है, मतलब ये जैसे एक वैल्यू हो गया और मेन यहाँ पे ये है, ये ऐसा लिखेंगे वैसा आएगा, ठीक है, और इस वैल्यू का मतलब उसके अंदर पहले से आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दो क्या क्या आपको दिखाना है, और ऑप्शन से आपने क्लोज करना है इसको, तो मेन जो उसका एलिमेंट टैग हो गया वो ऑप्शन हो गया, ठीक है। वैल्यू एडिशनल हमने दिया है बेसिकली, और उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी ऑप्शन आपको बनाना है एक को आप कॉपी करो, पेस्ट करके नीचे यूज़ कर सकते हैं, और फिर लास्ट में सेलेक्ट टैग को क्लोज कर, यानी ये देखा जाए पूरा जो मेन आ रहा है वो सेलेक्ट टैग के थ्रू आ रहा है। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन के लिए हमने तो दो इसमें एलिमेंट आ गए, एक सेलेक्ट हो गया और दूसरा ऑप्शन, ठीक है। मेन सेलेक्ट हो जाएगा एलिमेंट, उसका सब एलिमेंट जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो, जितने भी ऑप्शन आपको दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हमने क्या किया, सबमिट बटन बना दिया ताकि बंदा सबमिट कर सके, ठीक है। तो इनपुट टाइप में यहाँ सबमिट बटन लिख दिया सिंपल, तो वो सबमिट का बटन आ गया, एंड देन फॉर्म सिंपली यहाँ से आपका क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कीजिएगा। अब जैसे हमें और भी बनाने हैं तो मैंने सेम इस चीज़ को कॉपी किया, एंटर यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या देना है, नेक्स्ट हमें देना है बी एम डब्ल्यू, एंड यहाँ भी ऑप्शन में भी बी एम डब्ल्यू, सेव कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए एफ फाइव। अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटली आगे लिस्ट जो आपको चाहिए उसको क्लिक, ठीक है, एंड देन फाइनली सबमिट करेंगे, डाटा आपका प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट एलिमेंट, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है कि जैसे हमें क्या करना है, काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखना है, हमें एड्रेस लिखना है, एड्रेस एक दो वर्ड का नहीं होता है, एक लाइन का नहीं होता है, एक से ज़्यादा लाइन का होता है, तो वहाँ पे हम नेम वाला फील्ड यूज़ नहीं कर सकते। नेम वाले फील्ड में एक सिंपल लाइन के लिए होता है, अगर आपको ज़्यादा कंटेंट फॉर्म के अंदर लिखवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए, एक सेंटेंस के लिए तो आप इनपुट वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में क्या करना है, हमें सिंपल है, तो जैसे मैंने फॉर्म कहाँ से स्टार्ट किया, सपोज़ हमारा यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो हमारा इसमें जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो उसमें नाम क्या देना है, मैसेज, ठीक है, कितना, अब यहाँ से जो रो 10 दिखा रहा है, कॉलम 30 दिखा रहा है, तो आप इसके अंदर एक तरह का उतने 10 कॉलम्स तक का डाटा ऐड कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारा डाटा आप इसमें ऐड कर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है वो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले से लिख दिया द कैट वाज प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये लिखा हुआ जाएगा, फिर आपको वहाँ जो भी लिखवाना है वो आप लिखवा सकते, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो हमने बी आर टैग लगा दिया ताकि नीचे आए, उसके बाद सबमिट बटन बना दिया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट एरिया, जैसे चलिए उसी में हम टेक्स्ट एरिया भी बनाते हैं, यूज़ करते हैं,
तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया वाला हमने ये सेक्शन कॉपी किया और इसी में हम इसको यूज़ करते हैं एलिमेंट के अंदर ही। तो हमें क्या करना है, सबमिट से पहले यानी कार के बाद यूज़ करना है। तो सेलेक्ट के बाद मैंने क्या किया, यूज़ कर लिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जो भी आपको लिखवाना है। और नीचे चाहिए तो यहाँ पे बी आर टैग लगा दो ताकि वो नीचे आए, दो ज़्यादा दिखाना है और हमें बी आर टैग यूज़, ठीक है। फिर टेक्स्ट एरिया, अब मैसेज, या मान लो आपको वहाँ पे एड्रेस लिखना है तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी डालेंगे तो भी हमारा बेसिकली आ जाएगा। कैसे कैसे देखिए, मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, कुछ नहीं चाहिए आपको लिखा हुआ तो आप वहाँ लिख सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल ये ब्लैंक आ जाएगा। अब आप कंट्रोल एस कर दो और वहाँ पे जाके आप सेव कीजिए ये भी। अब हम चाहते हैं कि ये सबमिट उसके नीचे आना चाहिए, तो क्या करोगे, उसके बाद भी आपने टेक्स्ट एरिया के बाद भी बी आर टैग लगा दी एक बार और, ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ गया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया, यानी आप इसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपके यहाँ लिस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसको बड़ा चाहिए अगर हमें, तो हम इसकी पहले से हाइट डिफाइन कर, जैसे यहाँ पे हमने जो किया था वो पेस्ट कर दिया, हम सेव कर दें, अब यहाँ पे है और बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हमें उसकी हाइट पहले से बड़ी दिखानी है, नहीं अगर हम ये वैल्यू नहीं डालेंगे, मीन्स अगर हम रोज एंड कॉलम नहीं डालेंगे तो वो बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने रोज डाल दिया कि 10 रोज तक आ जाए, मतलब 10 लाइन तक वो बढ़ जाए, ऐसी कॉलम आगे वो 10 कॉलम तक बढ़ जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि हमें कॉलम वाइज काम होगा, काम तो वैसे ही होगा नॉर्मल प्लेन वाइज, सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे रोज और कॉलम का सेक्शन जो है ये लगा दिया, किसके अंदर, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, अगर आप लिख देंगे तो पहले से वहाँ पे लिखा हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। सेव किया तो आप पहले से लिखा हुआ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, फिर आप हाँ ये हटा के जो लिखना चाहे तो बंदा लिख सकता है, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया, यानी काफ़ी सारा टेक्स्ट अगर आपको वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर आपको किस तरीके से एड्रेस वाली, ठीक। इतना प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें आप फॉर्म्स की प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना करके, और बाकी इसके अलावा हम सीखेंगे नेक्स्ट वीक।